गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र में एक लोडेड ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोडेड ट्रक डुमरी फुसरो मुख्य मार्ग के पोरदाग पुल पर था कि तभी ट्रक पुल से नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल अंग्रेजों के समय का बना हुआ जो अब जर्जर हालत में है। बावजूद इसके लगातार गाड़ियों का परिचालन जारी था, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये पुल ब्रिटिश सरकार की पुल है। ये पुल में आज तीसरा घटना है। बोकारो परमंडलीय क्षेत्र में पड़ता है, जो ध्यान नहीं दे रही है। बार बार दुर्घटना होते जा रही है। पुल तो छत्तीसगढ़ से 2 महीना पहले हुई है, लेकिन परमंडल को कुछ करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं कुछ। बड़ी हादसा ये तो बड़ी हादसा है ना। मान लीजिए खतरा, इतना बड़ा गाड़ी नीचे चल गई, ड्राइवर क्लासिक यदि कुछ हो जाता तो खतरे न है। और अभी टूट भी रहा है, देखिए जाके फिर एक यदि इससे बड़ा गाड़ी आएगी तो नीचे चल जाएगा। पैदल चलना मुश्किल, अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, रोड जाम हो गया। तो इस घटना में ट्रक ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए, दोनों को ही मामूली चोटें आई हैं। ये पुल में आज तीसरा घटना है। बोकारो परमंडलीय क्षेत्र में पड़ता है, जो ध्यान नहीं दे रही है। बार बार दुर्घटना होते जा रही है। पुल तो क्षतिग्रस्त 2 महीना पहले हुई है, लेकिन परमंडल को कुछ करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं कुछ। आसनसोल से रामगढ़ जा रहे ट्रक के चालक और खलासी की किस्मत अच्छी थी कि वो प्रशासन की लापरवाही के शिकार होने से बच गए। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाए गए इस पुल की हालत खस्ता है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन इसकी देखभाल और मरम्मत करने के बजाय किसी बड़ी घटना होने के इंतजार करता मालूम पड़ रहा है। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।